शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया द्वारा निर्यात पर पाबंदी लगाने के बाद 1 से 5 मई के दौरान मलेशिया से पाम तेल का निर्यात करीब 74% बढ़ा है। सूत्रों का कहना है कि बिजली संकट की स्थिति को देखते हुए बिजली कटौती किए जाने की बात बाजारों में चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार को अपनी तरफ से राज्य सरकारों को अपील करनी चाहिए कि तेल मिलों को इस कटौती के दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि मंडियों में अभी ताजा फसल की आवक ही हुई है और तेल पेराई का काम जोर शोर से चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि भाव ऊंचा होने से विदेशों से खाद्य तेलों का आयात पहले ही प्रभावित है और ऐसे में बिजली कटौती के कारण तेल मिलों का काम रुकने से खाद्य तेलों का संकट और भी गंभीर हो सकता है। सूत्रों ने कहा है कि बेहद कम कारोबार के बीच सीपीओ का भाव पूर्व स्तर पर है, जबकि शिकागो के मजबूत रहने से पामोलिन के भाव में मामूली सुधार, आवक घटने से सोयाबीन दाना की तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया है, तो वहीं बिनौला तेल की कीमतों में भी हल्का सुधार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।